हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि Xiaomi की डिवाइसेस में कैसे मोबाइल को रीसेट करें। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और आप ध्यान रखें, इसमें जितना भी गूगल अकाउंट है वो सब को आप रिमूव कर दें और साथ ही साथ MI अकाउंट को भी। तो मैंने सारा अकाउंट इसमें रिमूव कर रखा और इसमें आपको सबसे पहले एडिशनल सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए शो हो रहा होगा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन होगा। आप सबसे पहले आप बैकअप कर लें फाइल को, उसके बाद आप बैकअप टर्न ऑन इसको भी ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे शो हो रहा है फैक्ट्री डेटा रीसेट ऑल फाइल, ये सब रीसेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको अटेंशन आ जाएगा, फोटो सॉन्ग जितना भी इसमें है सब चीज डिलीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट कर देना होगा और यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा और यहाँ पे ओके मैंने कर दिया और यहाँ चेकिंग फाइंडिंग डिवाइस, यहाँ पे मोबाइल ऑफ हो चुका है। इसमें आप ध्यान रखें कि इसका जो बैटरी परसेंटेज है 50% से ऊपर हो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये बूट हो चुका है, यहाँ पे शो हो रहा है MI.com और यहाँ पे देखिए इरेज हो रहा है सारा फाइल। इसमें काफ़ी सारे फाइल्स था इसलिए इरेज होने में कुछ टाइम लगेगा। आप कम और ये दोबारा बूट हो चुका है, आप शो हो रहा है MI.com। इस वक्त मैं Redmi 3S यूज कर रहा हूँ और इसी प्रकार से आप सभी डिवाइसेस में आप रीसेट कर सकते हैं सारे डिवाइस को। तब तक फिलहाल के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ और अब ले चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस ये हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे MI 10 का है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लुक है 4G सिम, तो यहाँ पे ओके कर देना है आपको और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है MI 10 डिजाइन फॉर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको जैसे आप यूनाइटेड स्टेट किंगडम में कुछ भी हो, तब मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा आप जिस कंट्री से हैं। तो इस वक्त मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेटिंग रीजन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पे 10:38 PM हो रहा है जो कि मैं इस वक्त रात को वीडियो बना रहा हूँ। और इसको इस प्रोसेस में आपको कम से कम 10 मिनट्स आपको लग जाएंगे रीसेट होने में, इसलिए आप बैटरी को 50% से अबव भी रखें क्योंकि अगर बाय चांस अगर आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आपका प्रोसेस फेल्ड हो सकता है और आपका ब्रेक भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, इसलिए आप 50% अबव भी रखें। यहाँ पे क्लिक करने बोल रहा है आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो इस मैं तो जीबोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे ऐड नेटवर्क या स्किप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए। यहाँ पे टर्म एंड पॉलिसी है, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे वॉइस सिम कार्ड नॉट सेट, यहाँ पे Jio 4G, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं Jio 4G कर देता हूँ दोनों, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक गूगल अकाउंट है, तो है तो लेकिन मैं इसके बाद में देना चाहूँगा इसलिए मैं इसलिए नो कर देता हूँ। यहाँ पे गोट इट MI क्लाउड मेक मैनेजर फोन कॉल अलाउ कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे अगर साइन इन विथ MI अकाउंट कर रहा है
तो आप जिस अकाउंट MI अकाउंट से इस मोबाइल में डाले हुए थे उस MI अकाउंट को डाल सकते हैं। अगर मेरा ऐसे अगर आप रिमूव कर दिए होंगे इससे पहले, तो आप यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। यू कैन सेट अप MI लेटर इन सेटिंग, यहाँ पे स्किप कर देना है। और यहाँ पे पासवर्ड, स्क्रीन लॉक, ये सब है तो आप सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे लोकेशन का आ गया है, इसको एग्री कर दीजिए। यहाँ पे सो इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एंड्रॉइड टर्न ऑफ दिस योर लोकेशन गूगल ऐप, टर्न बैक ऑन, नॉट नाउ कर दीजिए। यहाँ पे आप कौन सा आप वॉलपेपर थीम यूज करना चाहते हैं, डिफॉल्ट या क्लासिक, इसमें मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, और ये हो चुका है सेटअप कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे लोडिंग एप्स हो रहा है, एप्स लोड हो रहा है। और यहाँ पे सारा ऐप लोडिंग हो चुका है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं। तो फाइनली गाइज इसमें रीसेट हो चुका है और ये डिवाइस, और इसमें आपको चलिए दिखाते हैं कि इसमें कितना स्पेस फ्री मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं वॉट फोन में, ये रेडमी 3S यूज़ कर रहा हूँ जो कि मार्स मेलो पे बेस्ड है, और MI 10 जो कि ग्लोबल बीटा 8.9.20 पे बीटा पे रन कर रहा है। और यहाँ पे आपको जैसा कि शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्टोरेज पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है 8.71 GB। यहाँ पे आपको 16 GB में आपको रीसेट करने पे 8.71 GB मिलेगा फ्री स्पेस देखने को। आइए रीसेट हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं जितना शेयर करें, और इसको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।